अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अजहर असलम साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू आरजू। और बहुत हंगामा है, बहुत लोग इमरान खान साहब की पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से गए। ये और बात है कि जो भी जेल से या थाने से निकलता है वो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें अपना अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हम सियासत से ही अलहदा हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? क्या वाकई में सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो 9 मई को हुआ था उसकी जिम्मेदार क्योंकि पीटीआई को बताया जा रहा है इस वजह से छोड़ रहे हैं, या कोई और किसी और तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है जैसे भाई लोग की तरफ से कि भाई छोड़ दो, इस किस्म की कोई बात हो रही है? साथ साथ कई लोग जो करीबी बताए जाते हैं इमरान खान साहब के, तकरीबन 10 लोग हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, फवाद चौधरी और कई दूसरे लोग, जिनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है। सिचुएशन को क्या देख रहे हैं आप? इकोनॉमी पे कोई बात नहीं हो रही है और बाकी सब कुछ हो रहा है। जी आप ठीक कह रही हैं। आप मतलब सिचुएशन जो बन रही है, बन गई है, वो तो सबके सामने है। अब लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, जाहिर है इसमें आपको भाई साहब कहने, भाई लोग कहने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्लियरली जो कुछ हुआ है और उसमें जो यू नो चाहे कोई भी उसके पीछे मफरूजा कायम किया जाए, हकीकत तो ये है ना कि हमला हुआ है या इंसर्जन हुई है, कह दें उसको, हमला ना कहें, अटैक ना कहें उसको, हम कह दें कि इंकर्जन हुई है, दाखिल हुए, घुसे, तोड़ फोड़ हुई है। और वो मतलब 3-4 जगह हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जनरल हेडक्वार्टर्स के गेट पे लोग पहुंचे, फिर लोगों ने कोर कमांडर साहब के घर पे हमला किया, उसके अलावा रिपोर्टेडली ये जो सा ISI के ऑफिस पे हमले किए गए, 2-3 ऑफिस पे हमले किए गए, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि कुछ ऐसी जगह भी हमले किए गए जो सेंसिटिव है और जिनको देने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इट इज वेरी क्लियर कि ऑब्वियसली जो 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 खुद अपेरेंटली सुनने में आया है कि जो आर्मी की हाई कमांड है उसको 9/11 के तौर पर देख रही है। तो खान साहब जो उनसे उन्होंने अपनी जो सियासत थी, आप उस पर जितनी भी तनकीद करें उसमें एक करेक्टरिस्टिक ये रखी है कि उन्होंने बड़ा वो अपने आप को अलहदा रखा था बाकी सब से और अपने आप को एक अलहदा स्टैंड दिया था और इनकार भी किया था बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने से। तो इन अ वे जो मौजूदा हुकूमत है और जो बाकी सियासी हुकूमतें हैं उनको भी एक मौका हाथ में आ गया, और इसमें कोई ज़्यादा वो कहने की हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी जो सियासी कुवतें मॉरली बहुत अच्छी हैं और सडनली वह जो सा उनको मुल्क की मोहब्बत जाग गई है और सडनली ये जो सा वो यू नो वो उनको शहीद याद आ गए और ये सारी उनको, ये वही लोग हैं जिनको जिनकी पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री में मुख्तलिफ मौके पे इन्होंने आर्मी पे खुलम खुला तकरीरें की हैं, आर्मी के चीफ्स के नाम लेके, आर्मी के जनरलों के नाम लेके खुलम खुला तकरीर की है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर खुला हमला करवाया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे इनका जितना हमला वो कर सकते हैं, सोशल अटैक उनका जारी है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे तो हम उनकी आते हैं एक मिनट के बाद कि क्या क्या हो रही है और क्या सिलसिला हो रहा है। तो उनके लिए तो बड़ा एक सुनहरा मौका मिल गया है कि वो यू नो मोर लॉयल देन द किंग बन के, क्योंकि आपने शायद देखी होंगी सोशल मीडिया पे तस्वीरें के जो इस्लामाबाद की सड़कों पे रिपोर्टेडली जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, आर्मी चीफ की तस्वीरें लगी हुई हैं और अब खुदा जाने वो कौन लगा रहा है, बट यू कैन थिंक अबाउट इट कि कौन लगा रहा है। स्पेकुलेशन एक वो कहते हैं ना, एजुकेटेड गैस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, एजुकेटेड गैस तो किया जा सकता है कौन लगा रहा है। इसी तरह जो इंतहाई ख़तरनाक इसमें से आई है तस्वीर, वो ये है कि एक तस्वीर पिंडी की दीवारों पे अपेरेंटली चस्पा की गई है बहुत बड़ी, और वो काफ़ी सारी तस्वीर वैसी जिसमें PTI के मुख्तलिफ लोगों के तस्वीरें दिखा के उन पर गद्दारान वतन और गद्दारान पाकिस्तान टाइप के नारे लिखे गए हैं एंड ऑल दैट, जो इतना ही खतरनाक है क्योंकि यही वो बात है जिससे हम सबको, ये तकफीर और गद्दारी दो ऐसे मसले हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बादी के दहाने पर पहुँचा दिया है। लेकिन मगर एक
सर एक सेकंड लूंगी आपसे, ये बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट किया कि ये जो बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें पीटीआई के मेंबर्स या पीटीआई के जो पहले लोग रहे हैं उनकी पिक्चर्स हैं और गद्दार और ये सब कुछ लिखा हुआ है, और वॉल ऑफ शेम जो है वो भी लिखा हुआ है। वॉल ऑफ शेम। लेकिन आपको याद होगा इमरान खान साहब हर वक्त मीर जाफर और मीर सादिक और पता नहीं क्या आरजू एक कुछ सेकंड, कहते थे। रहिए आरजू, आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप इमरान खान के इतने खिलाफ हैं कि जब बंदा आप सिचुएशन की एनालिसिस करने लगता है तो आप याद करती है, ओ यार उसने गलत किया तो इस हालत में है ना भाई, उसने को ठीक किए काम, उसने मुल्क को ठीक कर दिया, कौम को ठीक कर दिया, कौन उसको डिफेंड कर रहा है? पॉइंट इज नॉट दैट, आपने एनालिसिस मांगी है प्रेजेंट सूरत हाल की। पॉइंट आउट मैं ये कर रहा हूं कि ये जो काम है जो मौजूदा हुकूमत की सुपरविजन में हो रहे हैं, डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट, ऑल दो उनके लिए जस्टिफिकेशन बड़ी हद तक पीटीआई ने खुद या पीटीआई के बेवकूफ हमायतियों ने या वट एवर, यानी रिगार्डलेस नॉट विद स्टैंडिंग, वो तो कोई इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा कि साजिश थी या नहीं थी, जो कुछ भी था, लेकिन जो अपेरेंटली बादियों नजर में नजर आ रहा है उसकी बेस पे जो कुछ हुआ है वो इंतहाई गलत हुआ है, इंतहाई शर्मनाक था। मतलब यू कैन नॉट गो एंटी स्टेट, आप अपने मुल्क के ऊपर, हम तो लेकिन अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि जी उनके टाइम में ये हुआ था, सिर्फ एक बात सिर्फ मैं कह रही हूँ, तो उसके ऊपर आपको ये क्यों लग रहा है कि मैं इमरान खान के अगेंस्ट हूँ या मैं पीटीआई को नहीं, वो कर रही हूँ? भाई मैं वो मैं ये बता रही आपने हूँ कि ये गलती उस वक्त भी हुई थी और गलती अभी भी हो रही है, मैं नहीं, दोनों को कह रही हूँ, गलती दोनों नहीं नहीं गलत वो है। हम गलत नहीं, गलती नहीं करना चाहिए, ये एक शर्मनाक फेल है। उस वक्त उन्होंने शर्मनाक फेल किया था, इस हाँ वक्त ये शर्मनाक फेल कर रहे हैं। अब मैं उसी एनालिसिस पे आ रहा हूँ। अब बात ये है कि जब जमहूरी कुवतें ये करना शुरू कर दें, जैसे खान साहब ने पहले किया था कि भाई मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, अब ये लोग हैं जो उनसे, इनको मौका मिल गया, जिस तरह भी वो खान को देखते हैं, उनकी जो भी नफरत है खान के साथ या पार्टी के साथ या उनको जो खदशात हैं या वट एवर दे आर, तो वो भी अपने सारे जमहूरियत जमहूरी रवैये सारा वो लिबरलिज्म सारी चीजें भूल भाल के अब वो बिल्कुल वही हरकतें कर रहे हैं जो, हालांकि इस सारी चीज को मॉडरेट भी किया जा सकता था, इसको कहा जा सकता है कि ठीक है कानून को तोड़ा गया है, लेट कानून टेक इट्स यू नो। तो जहां तक ये छोड़ने की बात है, दैट वॉज योर क्वेश्चन जिस पे आप पूछ रही थी कि सवाल क्या था, तो अब मसला ये है कि ये जो जो सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें सिचुएशन ये बन रही है कि अगर इल्जामात इस किस्म के लगना शुरू हो जाएं कि ये टेररिज्म है, टेररिस्ट पार्टी है, या इसके अंदर कोई खतरनाक एलिमेंट है, या एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, जो इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उस सूरत में उस पार्टी के साथ कौन ठहरना चाहेगा, आप मुझे बताइए। मतलब हर किसी ने हर, और फिर जाहिर है जिन इन पे प्रेशर तो सब पर आया है, लेकिन अगर आप एक गौर एक बात कीजिए, गौर से देखिए कि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी जिसने ये छोड़ा है वो किसी ने, उसने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, हो सकता दूसरी पार्टी वाले उनको लें भी ना, उनमें से मोस्ट लोगों ने कहा है कि जी हमने सियासत ही छोड़ देनी है, जो एक्चुअली इन अ वे इज ट्रेजेडी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, चाहे वो अपने गलत नजरियात थे उनके सियासी तौर पर या उनका रवैया गलत था, लेकिन देवर द पीपल जो 8 2012 से पहले 10 से पहले सियासत में नहीं थे और सियासत में आए थे। मैं आपको अपना तजर्बा बता देता हूँ कि जब मैं 2010 से 2014-15 तक पीटीआई में बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो उसके बाद जो ऐसा ऐसा मेरा डिस्टेंस क्रिएट हुआ वो इसी वजह से था कि उसके अंदर जो बाहर से लोग आ रहे थे और नजरियाती लोगों को पीछे किया जा रहा था और सियासत का रुख है जो था वो आइडियोलॉजी से बदल के पावर पॉलिटिक्स पे चला गया था, जो जाना चाहिए किसी हद तक, क्योंकि पावर के बगैर आप काम कर नहीं सकते, लेकिन वो इस हद तक चला गया कि उसमें सब असूलों को बालाए ताक रख दिया गया। और खान साहब ये बात भी भूल गए कि मैं अपनी जगह से हट रहा हूं तो मैं अजोंसा इस पार्टी को जो इंस्टीट्यूशन बनाना था वो कैसे बनाऊंगा। तो अब दिस इज द रियल टेस्ट नाउ कि जब ये पार्टी अभी तो आई एज आई अंडरस्टैंड इट जो खबरें हैं कि मजीद लोग उसको छोड़ेंगे और तोड़ेंगे, तो वो तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इट ऑल्सो देन मीन्स कि अब आप मुझे बताइए कि यू थिंक के इसके बाद से फॉर एग्जाम्पल ये पार्टी मजीद टूटती है, कोई और पार्टी बनती है और पार्टी पे फॉर एग्जाम्पल पाबंदी लग जाती है, कालादम करार हो जाती है, ये खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, खान साहब इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली, पार्टी पे पाबंदी लगना है जो सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू होगा, और वाकई ही मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो थी वो इंतहाई, मतलब एक या दो सिर्फ भी आउट ऑफ थाउजेंड्स अगर ले लें
कोई कैपिटल पनिशमेंट किसी को दे देते हैं या इस तरह की दे देते हैं, और अपील है जॉनसन वन ने, उसके राइट नहीं रहता, तो उस सिनेरियो में ये जो पूरा जमहूरी निज़ाम है जो मुझे नज़र आ रहा है वो तो इट इज़ नॉट बी पॉसिबल टू सस्टेन इट ना। क्योंकि अब आप देखिए, जब अपोजिशन ही पूरी चलेगी, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ही चला गया वोटर का, या पार्टी चलेगी जो जो सपोजिटली इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो बाकी पार्टियां इलेक्शन में जाना चाहेंगी वो किस तरीके से जाएंगी, उनका क्या एजेंडा होगा, किस तरीके से जाएंगी। लेकिन अभी और ये बुरी हुकूमत है तो चलनी नहीं है ना। यू नो ऑब्वियसली ये जो निगरान हुकूमतें ये कितने अरसे तक चलेंगी, इनको कितनी कॉन्स्टिट्यूशन वो मिलेगी। आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरी पिछले दिनों एक दो इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन से पर्सनल लेवल पे गुफ्तगू शुनीद हुई, डिस्कशन पाकिस्तान के मामलात के बारे में, और इसी बात को ओपनली डिस्कस किया गया कि ये जो सिचुएशन है ये अच्छी नहीं है। आपको याद है, बल्कि उन्होंने, एक ने तो बिल्कुल वो बात दोहराई जो मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ, कि अगर ये चार पांच सीनियर लोग, खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, यू नो आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये चार पांच लोग अपनी अनाओं को छोड़ के अगर बैठ जाए तो इस मुल्क के अवाम का बहुत भला होगा। और इस मुल्क, अब आपने बिल्कुल सही 100% बात दुरुस्त की भाई, यार इकोनॉमी डॉलर 308 रुपए का है, राइट, और यू नो और वो मजीद उसके मतलब बढ़ने का खर्चा है। आपको पैसे बाहर से मिले कोई नहीं है, IMF से वायदा हुआ कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही, जो जो बिजनेसमैन है बेचारे, आपने खुद देखा है कि उन्होंने पिछले दिनों में कितनी दौड़ भाग की है सबने रिकनसाइल करवाने के लिए, मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए। गरीब को तो छोड़ ही देना, उसका जो हाल है वो तो मतलब लोगों के गुर्बत, 56% लोग हैं जो उनसे गुर्बत की लाइन के नीचे रह रहे हैं, यू नो सो ऑब्वियसली मैसिव मेजोरिटी और शिफ्ट हुई है गुर्बत के अंदर, तो उनके बारे में तो कोई नहीं सोचना। यू नो जैसे आपने, मेरा ख्याल है आपने ही मुझे बताया था कि हिसाबदार साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी इकॉनमी तो सब ठीक है, तो जाहिर है हाँ, उनकी, उनको तो लगता है सब खैरियत उनकी अपनी पर्सनल, वो बता रहे होंगे शायद हाँ कंट्री की हाँ नहीं। पर्सनल, एग्जैक्टली उनकी पर्सनल तो ठीक है, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे हैं, उनके हाँ पास इतना बैकअप है, उनके इतने पैसे बन चुके हैं, पैसे उनकी लेकिन जायदाद मुल्क से बाहर है, वही उनके पास तो उनसे ना डॉलर की कमी है, ना पाउंड की कमी है, ना पैसे की कमी है, रुपए की कमी है, तो और फिलहाल वो हुकूमत में है, तो जो हुकूमत के खांचे चलते हैं वो भी चल रहे होंगे यकीनन, लेकिन तो एक चीज और उनको तो है, क्यों एक चीज प्रॉब्लम हो और जाए। है तो फिर डॉक्टर साहब। हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस, आपकी मैं बात सुनता हूँ, मुझे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू टेल यू सम न्यूज़ एज वेल इन अ वे जो मुझे थोड़ी सी मिली है, वो ये कि तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस, मतलब पाकिस्तान के कौन से, क्योंकि पाकिस्तान का मामला तो अवाम के साथ है ना, वो सिर्फ एक ख्वाजा आसिफ हिसाबदार, एक इमरान खान, एक शहबाज शरीफ, एक नवाज शरीफ के साथ तो नहीं है ना, एक जरदारी के साथ तो नहीं है, वो तो 22 या 24 करोड़ जो भी अब हमारी आबादी आती है उसके साथ है ना, तो वो उसका उस मामले में कहीं ना कहीं तो चलना है ना, वो रुक तो नहीं सकता। अच्छा, एक चीज मैं कह रही हूँ, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो फौरी तौर पे बातचीत करना चाहते हैं जाहिर है गवर्नमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। और नवाज शरीफ साहब का कहना है कि जी जो पॉलिटिशियन होते हैं उनसे बात की जाती है, इस किस्म के लोगों से बात नहीं की जाती जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उन्होंने लेकिन टेररिज्म का लफ्ज़ साथ पैराग्राफ साथ छोड़ दिया जो मैंने लेकिन एक चीज बताया। और है, एक चीज और है, वो ये कि पीटीआई टूट टूट के नए ग्रुप बन रहे हैं, जिसमें एक ग्रुप है जहांगीर तरीन खान ग्रुप, और सुनने में ये आया है कि फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी और कई दूसरे लोग उस ग्रुप में जा सकते हैं। आपको लगता है कि ये MQM बनने जा रही है पीटीआई? वही एक पीटीआई हकीकी भी आ गए सामने, बाय द वे। जी, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने तो, आई एम नॉट श्योर कि नवाज शरीफ साहब ने कहा, ये किसने कहा, लेकिन जो कहा गया मिनिस्टर की तरफ कहा गया कि ये तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर नवाज शरीफ साहब ने कहा तो उनको वो वक्त नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनको अपनी वो तस्वीर याद रखनी चाहिए जब वो हाईजैक करने के मुकदमे में बंद थे अंदर मुशर्रफ साहब के जमाने में, और वो टेररिस्ट करार दिए गए थे, उनको ये भूलना नहीं चाहिए। दिस इज, मैं आपको शुरू में यही कह रहा था कि ये एक दूसरे को गद्दार करार देना, टेररिस्ट करार देना, एक दूसरे को फितना करार देना, जो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर आ रहा है कि वो कर रहे हैं, और उनको बड़ी खुशी है, और शायद वो खुशी में आपस में बगलें भी बजा रहे होंगे, बट इट इज नॉट गुड एट ऑल। कम से कम जो सियासतदान है और जमहूरियत पसंद है बंदा, उसके लिए तो ये अच्छा नहीं है। अब ये अलग क्वेश्चन है कि वेदर ये जो जमहूरियत है, ये जो इलेक्शन है, जैसे आपने कहा पार्टियां बन गई, उसमें फिरदौस आशिक अवान चली गई, फवाद चौधरी चले गए, इन जाने को लोगों ने, कह रहे हैं, गए नहीं है, जाने की बात हो रही चलो है। चले जाएंगे ये,
इन लोगों ने पहले इन इन इनके क्या वो अंग्रेजी में कहते हैं फेदर इन द कैप, क्या है इनका मतलब, क्या है फरदोस साक्षी का, अवान साहब का, जो मैंने सुना था जो लोग बोलते हैं दरोग बर गर्दने रावी, कि लास्ट टाइम जब वो वजीर थी तो वो पर्दे भी उतार के ले गई थी, राइट? सो इस किस्म के लोग हैं जो उनसे, सो आई एम नॉट गोना से एनी मोर अबाउट दिस, बट यू नो इस किस्म के लोग हैं जो उनसे, जो हमें पता है कि हैं मौजूद, इन्होंने क्या फेदर इन द कैप है कि ये अब नई पार्टी में जाके क्या मार के मार लेंगे, व्हाट डू दे डू? इसका मतलब ये है कि अगर इस किस्म के लोगों को लेके और इसी सियासत में इसी तरीके से चलना है और इसी, तो फिर वो जो मैं, फिर ये निजाम नहीं चलेगा, इट विल नॉट हैपन। ये निजाम है जोन सा, ये कभी डिलीवर नहीं करेगा, एंड इट हैज बीन प्रूवन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि ये निजाम डिलीवर नहीं करेगा। उसमें सिस्टम की खराबी है, चाहे उसमें पार्टिसिपेंट्स की खराबी है जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर खराबी है जोन सा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की है, किसी भी चीज को आप दें, द वे द सिस्टम इज रिग्ड अप, जिस तरह वो सेटअप है, एलीट को, एलीट का जो कैप्चर है, जो एलीट उसको एक्सप्लॉइट करती है, जो उसको कंट्रोल करती है, उसकी मौजूदगी में, और वही चेहरे दोबारा आएंगे, किसी और पार्टी में आ जाएंगे, यू नो कोई और पार्टी आ जाएगी। इमरान इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि अगर अगर वो डिसक्वालीफाई होते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी चलाएंगे। अब ये अगर नहीं पता कि शाह महमूद कुरैशी साहब कब वो रिजाइन कर छोड़ देंगे, ना बैठ गए कितने दिन के गए, मेहमान है वो भी नहीं पता। अगर वो छोड़ ना गए तो, अगर हाँ वो वही, अगर वो छोड़ना आ गए। हाँ, लेकिन यू नो इन अभी अगर आप इस, अगर लेट्स स्पेकुलेट अबाउट इट कि खान साहब ने ये क्यों दिया है बयान, मतलब वाई इज ही कॉन्फिडेंट के जब असद उमर छोड़ गए, शीरी मिजारी छोड़ गई है, तो शाह महमूद नहीं छोड़ के जाएंगे, और आपको पता है शाह महमूद है जो उनके एक सर्टन सपोर्ट है, उनकी अपनी ख्वाहिशात भी हैं, एंड अपेरेंटली ही हैज बिन पुशिंग फॉर हिम टू बिकम, यू नो कि वो लीडिंग कैंडिडेट बन जाए और वजारत उज़्मा कैंडिडेट भी बन जाए, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सिंपल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जो आपने बात एमक्यूएम की थी, ये एमक्यूएम की तरह की रिकंस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अगर वो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना, तो हम उसको क्रिटिसाइज जरूर करेंगे, लेकिन कंपेयर टू कि टेररिस्ट करार दे के कालादम कर देना पार्टी को, उससे ये बदरजहा बेहतर होगी, इट विल बी माइल्स बेटर कि जोन सा वो रिस्ट्रक्चर हो जाए, उसमें सिर्फ खान साहब को जोन सा चलो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, पार्टी चलती रहे, पार्टी के अंदर कुछ लोग चलते रहे और मजीद यंग ब्लड आ जाए उसके अंदर, क्योंकि जाहिर स्पेसेस जब खुलती हैं तो वैक्यूम तो नहीं रहता, उसमें लोग आएंगे, उसमें कैंडिडेट्स भी आएंगे, सो इट इज अ पॉसिबिलिटी। और देखिए जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एडवर्सिटी इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, ये अपॉर्चुनिटी है जोन सा, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी पीडीएम को भी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी पीटीआई को भी मिली है, और खान साहब को भी मिली है। आपको याद है कि मैं आपको शायद ये बता चुका हूँ कि इन अ वेरी पर्सनल कन्वर्सेशन बैक ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स अगो, खान साहब ने मुझे कहा था कि भाई आप फिक्र ना करें, ये इस पार्टी को मैंने जोन सा एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा बना देना है, और मैंने उनसे कहा था कि आपको जोन सा डेंग्स ऑफ पैंग का रोल अदा करना चाहिए, जिस जो पीछे बैठ के जिसने अपने सारे प्रोटेजीज के थ्रू चाइना को तब्दील कर दिया, आप भी कर सकते हैं। मे बी इट इज टाइम कि खान साहब जोन से वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं या खुद समझ चुके हैं कि यार मैं वजीर आजम ना बनूं, मैं पीछे चला जाऊं, चलो अगर मेरी डिस्क्वालिफिकेशन से चीजें बेहतर होती हैं, बिकॉज इन अ वे उन्होंने बहुत सी चीजें कंट्रीब्यूट की हैं विदाउट एनी डाउट, आप उसको जो भी कहें, जिस तरीके से भी कहें, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है इसके अंदर, जिसमें नए लोगों को सियासत में लाना भी शामिल है, उसमें कॉन्शियसनेस को भी अराइज करना शामिल है, सोशल मीडिया का यूज भी शामिल है टू, सो इन अ वे सियासत में जो चेंज में उनका एक बड़ा हिस्सा था, सोशल मीडिया का मजबूत यूज रहेगा। तो उन्होंने सिर्फ ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। अब उनकी जिस चीज उनकी के टीम जिस तरह से ट्रोल करती है किसी की भी नहीं करती, सोशल मीडिया को उन्होंने सिर्फ गलत इस्तेमाल के तौर पे इस्तेमाल किया है। मतलब गलत किया कोई कोई है, अच्छी चीज मतलब उसको हमने उनको हमने उस पे करते हुए नहीं ये देखा। मेरी बात सुनिए, एटम बम का इस्तेमाल भी गलत इस्तेमाल था ना, लेकिन बन तो गया था ना एक चीज, सो द फैक्ट इज के वो फैक्ट नहीं ये चेंज होता। 25-25 हज़ार पे वो लोगों को रख कर के, जो 25,000 के ऊपर जो है वो हजारों लोगों को रख के, सिर्फ उनका ये काम है कि सुबह से शाम तक हर किसी को उल्टा सीधा बोलना है, जो जरा सा भी उनके खिलाफ लेकिन बात ये करे आप मुझे ये वो, बताइए कि उसको अगर आप ना प्रोग्रेस कहते हैं सोशल ये मीडिया की, तो नहीं, मैं इक्कीस प्रोग्रेस तोपों की नहीं सलामी है मेरी तरफ से। नहीं 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 प्रोग्रेस नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो किरदार है उनका सियासत के अंदर, वो अब एक तारीख का हिस्सा बन चुका है, वट एवर इट इज, उसके बारे में तारीख वो डिसाइड करेगी। पॉइंट में ये बना रहा हूँ कि अगर खान साहब पीछे भी चले जाते हैं तो इट इज फार बेटर
कि पार्टी चलती रहे रादर देन के, और उस तोड़फोड़ के साथ भी चलती रहे तो चलती रहे रादर देन कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि दैट विल बी लॉट मोर डेंजरस। और अगर वो हो गया और उस रास्ते पे गए तो ये जो प्रेजेंट लॉट है इनकी बारी भी आनी है। दैट मीन्स के ये जो सिस्टम है वो वाकई खत्म हो जाएगा, और सिस्टम है जो सा इस तरीके से नहीं चलेगा जिस तरीके से अभी तक चलता आया। एंड इन दैट केस क्वाइट पॉसिबल, जो मुझसे अगेन जो मैं आपको कह रहा था कि खबर जो जाती हद तक है कि बातें जो सी पहले भी आपने भी सुनी होंगी चल रही हैं कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आए, आपको याद है आज से 5 साल पहले मैंने ये कहा था, एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आए जो 5-6 साल तक चले एक कॉमन इकोनॉमिक एजेंडा के साथ, और देन एक प्लान तरीके से चाहे इन्हीं पार्टियों को रिवाइवल हो और ये उसमें कंट्रीब्यूट करें। सो इन एनी वे मतलब चेंज इज इन द ऑफिंग, मतलब तब्दीली है जो सारा वो आ रही है, मजीद आ रही है। मगर खैर जो भी तब्दीली आ रही है आई विश कि वो तब्दीली अच्छी हो और उससे लोगों को फायदा हो, और एक इर्तकाई मरला है जो उनसा मेरा ख्याल है उसका एक सफर जारी रहेगा कि इस तरह की तब्दीली ना हो जिससे लोगों की हालत और खराब हो जाए, लोगों की हालत बेहतर हो। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली हाँ। और बेहतर भी हो और रैपिडली बेहतर हो, रैपिडली। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं यही जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं जिनसे मेरा बात चल रहा था उसी मीटिंग के अंदर मैंने सिंपल से उनको एग्जांपल दी। मैंने कहा सर देखिए 300 बिलियन की पाकिस्तान की इकॉनमी को जिक्र किया जाता है जबकि वी नो दैट कि 1 to 1.5 times और इवन 2 times बाद लोग क्लेम करते हैं जो ब्लैक इकॉनमी है। सो लेट्स से अगर हम उसको डॉक्यूमेंट कर दें, नंबर्स की गेम होती है ना, तो सडनली अगर आप कहें पाकिस्तान की इकॉनमी है जो उनसी वो 600 है, 800 बिलियन की है, 1 trillion की है, जस्ट इमेजिन दैट कि आप उस जीडीपी की बेस पे सारी चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट? सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट अ साइंस टू डू, इट इज पॉसिबल टू डू इट, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में हालात और चीजें मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि विल हो करने की और नीयत हो करने की और उसको ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही और होना भी चाहिए, क्योंकि जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं यहाँ के, उनके लिए कुछ हो तभी कोई भी गवर्नमेंट सक्सेसफुल होगी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।